हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे इस नए कोर्स में हम फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। जैसा आप सभी जानते हैं, मोल कंसेप्ट पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में काम में आता है और इसको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको मोल कंसेप्ट आना जरूरी। बहुत आसान चैप्टर है, कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो मैं इसे बनिए का हिसाब बोलता हूँ। जैसे दुकान पर बनिया हिसाब करता है, वैसे ही केमिस्ट्री में हिसाब करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मोल कंसेप्ट की। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, जैसा कि आप देख चुके हो। हम लोग बिल्कुल नए तरीके से कोर्स को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ पहले भी कि हम लोग ऑलमोस्ट हर लेक्चर में, कुछ कुछ लेक्चर बहुत ही थियोरेटिकल होते हैं तो वहाँ पर शायद उसके नेक्स्ट लेक्चर में, बट स्टिल हर लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। तो थ्योरी हम रिलेटिवली थोड़ा तेज़ कवर करेंगे, इतना तेज़ भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, बट स्टिल क्योंकि आप थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो आप जान जाओगे। तो आप टाइम सेव करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे टर्म के साथ जिसका नाम होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखें, ये आप सभी जानते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया एटॉमिक मास है। वो जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो थी 1/12 इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इस वैल्यू को स्टैंडर्ड बनाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वैल्यू को बाद में नाम दे दिया गया था AMU, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और 1 MU की वैल्यू कहां से आई ये भी आप जानते हो, थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, बट हाल फिलहाल ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/12 इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और इसे हम AMU भी बोलते हैं या 1 AMU भी बोलते हैं इस चीज को हम लोग। ठीक है, अभी मुझे जिस भी एलिमेंट के एक एटम का मास पता करना होता था, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, एक एटम बहुत छोटा होता है। तो जब हम ये बातें कर रहे हैं, ये 1860s के आसपास की बातें हैं, उस टाइम पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता था जो एक छोटे से एटम का मास आपको कैलकुलेट करके बता सके। आज तो आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो ये काम कर सकता है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता था। ठीक, तो वहां पर इस जुगाड़ टेक्निक को काम में लिया गया। हमने क्या किया, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में अलग अलग एटम्स के मास को कंपेयर करना शुरू किया। तो हमने कंपेयर करना शुरू किया तो देखो, जैसे हम बात करें रिजल्ट्स की, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो आया, ये कंपैरिजन कैलकुलेशंस के थ्रू हुआ था, वेपर डेंसिटी से, है ना, या केमिकल कैलकुलेशंस, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये कैलकुलेशंस हुई थी। सो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो आया वो आया 16 times ऑफ दिस वैल्यू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, ऐसे मान लो आपने मास ऑफ लेट्स नाइट्रोजन एटम देखा तो वो कितना आया, 14 times ऑफ दिस वैल्यू आया। तो आप देखो, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोल चुके हैं, 1 AMU बोल चुके हैं ना, 1 AMU। तो यहां से देखो, ऑक्सीजन के एक एटम का मास हम 16 AMU लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के एक एटम का मास हम 14 AMU लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग एलिमेंट्स के एक एटम का मास लिखना सीखा। लेकिन हम टर्म लिख रहे हैं यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखो, सबसे पहले तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये इसका फॉर्म बना लेते हैं। आप समझो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है 5 किलो, मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है बी उसका मास है 20 किलो। क्या आप मुझे मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर, 20/50 यही करोगे ना, 20/5 सॉरी। तो देखो, 20 किलोग्राम 50 किलोग्राम, यह है मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए। यही किया आपने, फिजिक्स में सीखा है, जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो, 20/5 कितना आ गया, 4। अच्छा बताओ, ये 4 किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा? नहीं सर, ये तो किसी भी नहीं ग्राम में नहीं होगा, ये तो यूनिटलेस है, क्योंकि ये भी किलोग्राम कैंसिल, ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यूनिटलेस। समझते हो? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं WA to B बताओ, तो ठीक है, उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी, अगेन ये कैसा होगा, यूनिटलेस। तो देखो, ये जो आप लिख रहे हो ना मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, इसको हम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, सिंपल एटॉमिक मास। और ये जो आप लिख रहे हो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, एटॉमिक मास की तो यूनिट होगी जिसे हम AMU बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होगी। आपको जिस एटम का या जिस एलिमेंट का मास निकालना है उसे आप इस वैल्यू के रिलेटिव निकालोगे, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो आप देखो, अगर आपको मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखना है तो आप ऊपर तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और बताओ उसे डिवाइड किससे करोगे, अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से, वो कितनी है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम।
समझ पा रहे हो? अब ध्यान से देखो, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम को तो आप कितना लिख सकते हो, यहां से देखो 16 AMU, और बताओ ये वैल्यू कितनी है, 1 AMU। देखो AMU से AMU कैंसिल, ये जो आपके पास क्वांटिटी आई ये कैसी क्वांटिटी हो गई, यूनिटलेस। लेकिन ना आपको ये पता होना जरूरी है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझो, आपको जिस एलिमेंट का रिलेटिव एटम मास लिखना है उसके एक एटम के मास को आपको किससे डिवाइड करना है, इस वैल्यू से, सिंपल। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो इस यूनिट को ही बदल देता है, तो उसका इफेक्ट कहां पर आएगा, यहां पर। इसलिए हमको ये फॉर्म ध्यान रखना होगा। तो आप सिंपल सी बात देखें, इसको हटाकर अब मैं सिंपल सा यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, दैट इज मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि भाई हम 1/12 की जगह 1/6 ले लेते हैं, तो 1/6 कर लो, यहां 1/12 को आप 1/2 इंटू 1/6 ले सकते हो, तो 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब नया एटॉमिक मास पुराने एटॉमिक मास का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल सकते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक डेफिनेशंस पता होना बहुत जरूरी है। चलिए, एटॉमिक मास क्या हो गया, ये क्या हो गया, सीखने के बाद हम चलते हैं एएमयू की वैल्यू के ऊपर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन सब चीजों के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं है। 1 AMU आप सभी जानते हैं, ये होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कैलकुलेशंस पे कार्बन 12 एटम का मास होता है 1.99 × 10^-23 ग्राम। ये एक डिवाइस होता है जो कि कहलाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे कार्बन एटम का मास इतना आता है, यहां पर डिवाइड करके वैल्यू रखो तो आपको 1 AMU के लिए मिलेगी 1.66 × 10^-24 ग्राम्स। एक चीज आप एवोगैड्रोस नंबर को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, ये वैल्यू 1/NA ग्राम के भी इक्वल होती है। ये कहां से आया, ये भी आप देख लोगे, बस इसे भी लिखकर छोड़ दो, याद वाद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो एटॉमिक मास हमने डिफाइन कर दिया। देखो मैंने आपके सामने दो टर्म डिफाइन कर दिए, मान लो मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, तो आप डिफरेंस समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एक में लिखता हूं 16 और एक में लिखता हूं 16 AMU, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। 16 क्या है, 16 ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, और 16 AMU क्या है, 16 AMU मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है। तो इन दोनों में डिफरेंस, इसको आप एटॉमिक मास नहीं बोलकर हमेशा से बोलना कि ये एक एटम का मास है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब डिफाइन करने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, मैं आपसे बात करता हूं मोल की। तो अगर हम मोल को डिफाइन करने चलें, तो एक्चुअली मोल की एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है जिसको मैं थोड़ा सा आगे यूज करना चाहूंगा, चलो यहीं पे यूज कर लेते हैं, बात तो कर ही रहे हैं। देखो, मोल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स व्हाट as many particles as present in 12 ग्राम of carbon 12 atom। ये मोल की टेक्निकल डेफिनेशन है। कभी कभी इस टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए आपके काम में आएगी, बट हाल फिलहाल किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में होते हैं, उस क्वांटिटी को हम 1 मोल बोलते हैं। एक्चुअली 1 मोल कुछ नहीं है, 1 मोल ये नंबर है 6.023 × 10^23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। 1 मोल का ये सिंपल सा मतलब है, और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ध्यान रखना, एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट में फर्क होता है। कांस्टेंट की यूनिट होती है पर मोल, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, और 1 मोल का सिंपल सा मतलब है नंबर, जहां मैंने 1 मोल लिख दिया, ये उस वैल्यू को या उस क्वांटिटी को एनए में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने बोला 1 मोल तो एनए पार्टिकल्स, 2 मोल तो 2 NA पार्टिकल्स, 5 मोल तो 5 NA पार्टिकल्स। समझ पा रहे मेरी बात को, 1 मोल मतलब NA पार्टिकल्स, 2 मोल मतलब 2 NA पार्टिकल। तो जितने मोल्स हैं उसको NA से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। सही बात है, चलिए कॉपी करें इसे, फिर हम शुरू करते हैं अपने अगले टर्म के तरफ साथ, जिसका नाम है मोलर मास। उसी के लिए मुझे इसकी जरूरत थी।
चलिए तो अब ये एक मोल वाला टर्म सीखने के बाद दोस्तों आप इसे जानते हो बट स्टिल मैंने आपको चीजें डिफाइन कर दी है। बेसिक डेफिनेशंस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो एग्जाम कॉन्कर करने का एक ही तरीका होता है, बेसिक्स बहुत क्लियर होना। तो अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, हम लोग ऑब्वियसली इस कोर्स में उसके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे, बट स्टिल आप भी अपनी तरफ से कोई ढील ना छोड़ें। चलिए एक और टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, मोलर मास। टर्म को समझो, बहुत आसान है। मोलर मास क्या होता है? इट इज सिंपली द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन ग्राम्स। किस में होता है? ग्राम्स में। एक मोल सब्सटेंस का मास अगर आप ग्राम्स में लिख दो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर से बेसिक दिमाग लगाना है। मान लो मेरे पास ये चॉक होल्डर है, ठीक है, इसका मास है 5 ग्राम, और मैं आपसे पूछूं मुझे इसका मोलर मास बताओ। तो भाई मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। तो अभी एक चॉक होल्डर का मास है 5 ग्राम। अच्छा, अगर आपके पास एक मोल चॉक होल्डर हो जाए तो आपके पास कितने चॉक होल्डर होंगे? वेरी गुड, आपके पास एन ए चॉक होल्डर होंगे। लो, हो गया काम। अभी एक का मास 5 ग्राम है तो एन ए का मास कितना होगा? इंटू 5, यानी इस चॉक होल्डर का मोलर मास हो जाएगा 5 NA ग्राम। सही है। अच्छा चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा मास है 74 kg। कितना है? 74 kg। तो भाई एक PS का मास है 74 kg, ठीक है। अब आपको मेरा मोलर मास निकालना है। आपको मोलर मास निकालने के लिए एक मोल मुझ जैसे बंदे चाहिए होंगे या मेरे जैसे एक मोल चाहिए होंगे? नहीं मिलेंगे, मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो एक मोल आपको अगर चाहिए होगा तो एक मोल में कितने होंगे? NA। अब एक का मास 74 kg है तो NA का मास कितना होगा? इंटू 74। लेकिन हाँ, लेकिन ये किलोग्राम में है, इसे आप बदलो ग्राम में। किसमें बदलोगे? ग्राम में, शहर में नहीं, ग्राम में, ठीक। तो अब आपको ये क्या मिलेगा? इसका मोलर मास मिलेगा। तो बेसिकली मोलर मास क्या होता है? आपको किसी भी सब्सटेंस का अगर मोलर मास निकालना है तो उसकी एक यूनिट लो, एक यूनिट का मास लो ग्राम में। किसमें लोगे? ग्राम में। और उसे मल्टीप्लाई कर दो NA से, तो वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिल जाएगा? उसका मोलर मास मिल जाएगा। तो देखो किसी भी स्पीसी का अगर हम मोलर मास लिखना चाहें, सिंपल सा, रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको तरीके समझाया, अभी उसका सिंपल सा मेथड हो गया, ट्रिक हो गई, ऐसा बोल दो, या फॉर्मूला हो गया कि आप क्या लो, अगर आपको किसी भी चीज का मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोलर मास ऑफ अ स्पीसी लिख दो रादर। तो सिंपल आपको क्या करना है? उस स्पीसी के एक एटम का मास लिखना है, मास ऑफ वन यूनिट ऑफ स्पीसी इन ग्राम्स, और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? NA से। बस ये आपको क्या मिल जाएगा? उसका मोलर मास मिल जाएगा। जैसे जैसे मान लो हम ऑक्सीजन की ही बात करते हैं, मान लो आप मुझसे कहते हो कि भैया मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बताओ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन ग्राम्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे NA से। बताओ ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना था? कितना था? 16 AMU था, लेकिन हमें मास लिखना है ग्राम में। बताओ AMU की जगह कितना लिखोगे? 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। और देखो NA की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10⁻²³। दिख रहा है? अगर आप यहाँ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन यूज करते तो यहाँ 14 आ जाता, ये सारी कैलकुलेशन सेम रहती। सल्फर यूज करते तो 32 आ जाता, ये सारी कैलकुलेशन क्या रहती? सेम। इसे आप कैलकुलेट करोगे ना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आती है। इसीलिए देखो ये है AMU, ये है NA, इसीलिए मैंने लिखा था कि 1 AMU जो होता है वो 1/NA ग्राम के इक्वल होता है, क्योंकि AMU को NA से मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 ग्राम मिल रहा है, मिल रहा है ना। बस इसीलिए 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1/NA ग्राम के इक्वल। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया यहां पर? 16 ग्राम आ गया है। कितना आ गया है? 16 ग्राम आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, सेम रहा। आप देखो ऑक्सीजन का रिलेटेड मास भी 16 है, एटॉमिक मास भी 16 है, और मोलर मास भी 16 है, लेकिन डिफरेंस है यूनिट्स का। देख लिया, समझ लिया, ये पता है। अब आओ यहां पर, अब मैं ऑक्सीजन के लिए 3 चीजें लिख सकता हूं, एक 16 AMU
और एक 16 ग्राम। इसे कई बार AMU की जगह U भी लिखते हैं, U stands for unified mass, वो मैं आपको समझाऊंगा। 1U एक्चुअली AMU के बराबर ही होता है, इसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो देखो 16 क्या है, 16 ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। क्या बोलोगे, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। और इसे आप क्या बोलोगे, दिस विल बी मोलर मास। क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। या एक्चुअली आपने क्या किया, आप मैं आपसे बोलूं भाई फास्फोरस का एटॉमिक मास है 31, इसको देख के बताओ फास्फोरस का मोलर मास कितना होगा। हाँ 31 ग्राम। मैंने बोला सल्फर का मास है, एटॉमिक मास है 32, मोलर मास कितना होगा 32 ग्राम। तो एक्चुअली अगर आपको एलिमेंट की शक्ल पता है, जानते हो कौन सा एलिमेंट है, और आपको उसका एटॉमिक मास पता है, तो आपको उसके आगे सिर्फ ग्राम लगाना है ना। इसलिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। देखो आगे, चलो तो एटॉमिक मास को सीखने के बाद, ये तीन टर्म सीखने के बाद हम चलते हैं अगले टर्म जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। तो मॉलिक्यूलर मास में ऐसा हमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि अगर आपको किसी स्पीसी का मॉलिक्यूलर मास लिखना हो, मॉलिक्यूलर मास, तो जहां जरूरत पड़ेगी हम क्वेश्चंस के थ्रू और चीजों को समझ लेंगे, तो वो कुछ भी नहीं होगा, हम सिंपल लिख देंगे सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का आप सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जैसे मान लो आपके पास H2O ही है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, तो ये आ गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए लिखी एग्जैक्टली वैसे ही आप वाटर के लिए भी तीन चीजें लिख सकते हो, 18 AMU एंड 18 ग्राम। ठीक है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए, यूज करते करते याद होते जाएंगे, मैं भी लिख दूंगा आपके सामने, बाकी आप चिंता ना करें। पेपर में आपको जितने एटॉमिक मासेस चाहिए वो सभी के सभी एटॉमिक मासेस दिए हुए होते हैं, तो आपको उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देखें 18 क्या होता है, 18 हो जाएगा वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या बन जाएगा ये वाटर का, ये होगा वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। 18 AMU क्या होगा, ये होगा मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल, और जो 18 ग्राम है वो क्या होगा, ये होगा मोलर मास ऑफ H2O। तो ये इन तीनों में क्या होता है डिफरेंस, जैसा वहां था वैसा ही है। कुछ कॉमन एटम्स के एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, हीलियम का कितना होता है 4, लिथियम का कितना हो गया 7, फिर आप आ जाओ कार्बन जो आपके काम में आता है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 16, फिर आप आगे बढ़ते जाओ, आ जाओ आप सोडियम पर आ जाओ, सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 23, मैग्नीशियम का कितना हो गया 24, एल्यूमिनियम आपके पास हो गया 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, उसके अलावा क्लोरीन 35.5। तो ये 35.5 क्यों होता है आप आगे सीख लोगे। उसके अलावा आपके पास आ गया पोटेशियम जो कि क्या होता है 39, कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 40, उसके बाद आप आ जाओ क्रोमियम, मैं मेनली वो लिख रहा हूँ जो आपके काम में आते रहते हैं, मैग्नीज 55, आयरन कितना हो गया 56, इसके अलावा जिंक आपके काम में आता है 65, उसके अलावा आप आ जाओ ब्रोमीन जिसका एटॉमिक मास होता है 80, इसके बाद आप आ जाओ आयोडीन, सिल्वर ले लो इससे पहले 108, आयोडीन का होता है 127, ये जनरली आपके काम में आते हैं। इसके बाद आप आ जाओ प्लेटिनम जिसका होता है 195, मरकरी काम में आता है 200, और लेड 208। ठीक है, तो कॉमन एटॉमिक मासेस हैं जो आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आते ही रहेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है इसके बाद देखो ये सारे टर्म सीखने के बाद अब हम चल रहे हैं आगे, और हम एक्चुअली अब सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग मोल्स को यूज करते हुए नंबर ऑफ एटम्स है ना, बेसिकली हम मोल कंसेप्ट सीखने वाले हैं, कैसे हम अलग अलग स्पीसीज के अंदर मोल्स कैलकुलेट करते हैं। बट आप ध्यान रखना,
चलो वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, यहाँ नहीं करते हैं उस चीज़ को, ये चलो सीख ही लेते हैं। कई बार देखो अभी तो आपको एलिमेंट पता है, तो अगर आपको एलिमेंट पता है तो उसके मास के आगे ग्राम लगा दो, वो उसका मोलर मास बन जाएगा। जैसे वाटर का मोलर मास 18 के आगे ग्राम लगा दिया 18 ग्राम, और इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक और चीज़ देखो, इसको हमने 18 AMU लिखा है, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट, इसीलिए इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, 18 U। जिसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं उसे हम एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। सही बात है। चलिए तो बढ़ते हैं इसके आगे और सीखते हैं कुछ और चीज़ें। अब हम एक्चुअली अपना मोल कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मोल क्या होता है, मैं आपके सामने डिफाइन कर ही चुका हूँ। एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है फ्रॉम मास। अगर आपको एक सब्सटेंस का मास पता है, फ्रॉम मास ऑफ सब्सटेंस, तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है कि उस केस में नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको सब्सटेंस के निकालने हैं तो क्या करना होगा, आपको उस सब्सटेंस का गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मोलर मास किस में होता है, ग्राम में। देखो जो मोलर मास होता है ना, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है? ग्राम पर मोल, यानी एक मोल में कितने ग्राम हैं। तो ध्यान रखना मोलर मास हमेशा ग्राम में लिखा जाता है, इसलिए यहां पर जो आप मास यूज करोगे वो भी किस में होगा, ग्राम में। तो किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने हैं तो उसको मास के उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। और एक्चुअली ना आप फॉर्मूले को इस तरह से याद रखो, इसी तरह से यूज करेंगे, मोल्स एंड मास। अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास पता है और उसके मोल्स निकालने हैं तो उसको आप डिवाइड बाय क्या कर दोगे, मोलर मास। और अगर आपको मोल्स पता है और मोल्स से मास निकालना है तो आप इंटू क्या कर दोगे, इंटू मोलर मास। तो इस फॉर्म में आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें, आसान है। मैं आपसे बोल दूं 50 ग्राम CaCO3, तो भाई CaCO3 का मॉलिकुलर मास निकालो, देखो 40 है ना, 100 आता है। इसका मास है 50, मोलर मास है 100, 50/100, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.5, यानी हाफ मोल्स आपके पास किसके होंगे, CaCO3 के होंगे। बात समझ पाए आप मेरी? तो बहुत सिंपल है, अभी हम यूज करेंगे क्वेश्चन को फॉर्मूले के अंदर, तो आप और अच्छे से आपको क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता एलिमेंट कौन है। जैसे मान लो मैं छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, कि मेरे पास एक अननोन एलिमेंट है, नहीं क्वेश्चन है अपना, एन अननोन एलिमेंट, ठीक है, एक्स, और आपको मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स पता है। लेट्स से कुछ ले लेते हैं 5×10⁻²³ ग्राम, ठीक है। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्स विल बी प्रेजेंट इन लेट्स से 100 ग्राम ऑफ इट। तो उसके 100 ग्राम में इसके कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखिए आप सोच सकते हो क्या इसको। चलिए तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है। डिफरेंस क्या है, यहाँ तक अभी तक आपको एलिमेंट्स की शक्ल पता थी कि कौन है, यहाँ नहीं पता कौन है। तो आप देखो ध्यान से, अननोन एलिमेंट है एक्स, उसके एक एटम का मास दिया इतना और आपको मोल्स निकालने हैं। तो भाई देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको उसके गिवन मास कितना है, 100 ग्राम, उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसके मोलर मास से। तो बेसिकली आपको इसका मोलर मास खुद निकालना है, तो निकाल लो। आपको एक एटम का मास पता है 5×10⁻²। जैसे मैंने आपको सिखाया, एक एटम का मास ग्राम में हो, एक यूनिट का, उसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो 6 ही ले लो एक बार के लिए इसे। देखो 10⁻²³ गया, 6×5=30, इसके मोल्स आ जाएंगे 10/3, दैट इज 3.33 मोल्स। तो इस तरह से दो केस यहां पर बन सकते हैं, केस नंबर 1 जहां आप एलिमेंट को जानते हो, और केस नंबर 2 जहां आप एलिमेंट को नहीं जानते हो। तो दोनों ही केसेस में आप क्या कर सकते हो, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। आइए चलिए, तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने का। अगर आपको स्पीसी का मास पता है तो आप उसके मोलर मास से डिवाइड करके उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। फिर देखें दूसरा तरीका, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स
फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस. तो देखो आइडल गैसेस के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, हम बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी. अगर आपको गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पता हो तो देखो जो आर होता है ना आर, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 इंटू एटीएम इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल. सिंस आप 13th में हो, आप 11th 12th थोड़ी तो पढ़ी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये वैल्यूज आपको पता है, बट आप इस वैल्यू को विद यूनिट याद रखना. ठीक है, इस यूनिट का कंस्ट्रेंट क्या है इस वैल्यू का, कि प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस को पहले से डिफाइन कर देते हैं ना, प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं, इसे हम बोलते हैं एसटीपी. एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो देखो अगर मैं आपसे स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर की बात करूं तो इसके दो कन्वेंशन, एक पुराना कन्वेंशन एक नया कन्वेंशन है. अभी मैं आपको पहले नया कन्वेंशन बताता हूं. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो नया कन्वेंशन है वो होता है कि 1 bar प्रेशर होना चाहिए गैस का और कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए. ये जो टेम्परेचर है इसको हम 0 degree Celsius लेते हैं फॉर दिस चैप्टर. हाँ, जैसे आप आगे चलोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर उसको हम 25 degree Celsius लेकर चलते हैं. तो यार टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, प्रेशर फिक्स होता है. 1 bar प्रेशर होना चाहिए, ये फिक्स्ड है. अब उसके बाद टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वो बदलता रहता है, लेकिन मोल कंसेप्ट में आप उसको 0 degree Celsius लेकर चलते हो. अच्छा, ये जो एसटीपी है इसके दो कन्वेंशन चलते हैं, एक इसका ओल्ड कन्वेंशन चलता है और एक इसका नया कन्वेंशन चलता है. तो ऑब्वियसली आप नए हो तो आपको नया कन्वेंशन ही यूज करना है. तो अगर मैं आपसे ओल्ड कन्वेंशन की बात करूं, ओल्ड कन्वेंशन होता है 1 atm एंड 0 degree Celsius, या फिर और अच्छे से लिखो तो 1 atm एंड 273 kelvin. ये एसटीपी का ओल्ड कन्वेंशन है, कई बार इसे एनटीपी भी बोल दिया जाता है. सेम लेकर चलते हैं मूल के अंदर एसटीपी और एनटीपी को. वैसे एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर को रेफर करता है, बट मोल कंसेप्ट के लिए पहले इसे एनटीपी ही बोला जाता था. तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है. नए कन्वेंशन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है 1 bar और टेम्परेचर कितना है 273 kelvin. तो कहानी में सिर्फ बार और एटीएम का फर्क है. एटीएम से पैसे निकाल के बार नहीं नहीं जाना है. ठीक है, तो बार और एटीएम का फर्क है. खैर इन चीजों पर आप ध्यान ना दें, ये तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम टाइम पास करते रहते हैं. अब देखो दोनों से क्या फर्क पड़ेगा. हम यहां पर निकालना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 mole गैस एट एसटीपी. हम ये निकालना चाहते हैं, तो वही दो कंडीशन से निकालेंगे. एक ओल्ड कन्वेंशन से निकाल लो. तो देखो ओल्ड कन्वेंशन से क्या होता है, जब आप मोल्स निकालोगे फॉर्मूला लगाओगे पीवी अपॉन आरटी. तो प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम निकालना ना आपको, तो वॉल्यूम वी इक्वल हो जाएगा एनआरटी अपॉन पी. तो मोल्स कितने हैं 1, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 273, डिवाइडेड प्रेशर आएगा 1. ये जो वैल्यू है रट लो, ये 22.4 आती है, 22.4 लीटर्स. लेकिन अगर आप इसे कैलकुलेट करने चलोगे नए कन्वेंशन से तो उस केस में वॉल्यूम वी इज इक्वल्स टू मोल्स 1, आर की वैल्यू वही 0.0821, टेम्परेचर वही 273 डिवाइडेड बाय, यहां फर्क आएगा, यहां प्रेशर आएगा बार में, लेकिन देखो आपको प्रेशर को एटीएम में बदलना है. तो ध्यान रखें 1 atm इक्वल टू होता है 1.013 bar. जब 1 bar को एटीएम में बदलोगे तो यहां प्रेशर हो जाएगा 1/1.013, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यूम आ जाएगा 22.7 लीटर्स. कितना आएगा 22.7 लीटर्स आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा. अब आप क्या करोगे, अब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है. अगर क्वेश्चन में 1 atm 273 दिया है, जो कि देगा लिखकर साफ साफ, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे. अब अगर उसने एसटीपी बोला है तो हमारे लिए एसटीपी ये है, हम एसटीपी पर वैल्यू क्या यूज करेंगे 22.7. ध्यान रखना एग्जाम में आ गया एसटीपी लिखा है तो आप यही वैल्यू यूज करोगे, 1 atm 273 लिखा है तो आप ये वाली वैल्यू यूज करोगे. चलिए तो अब यहां से हम देखो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं. भाई आप, मैं नई कंडीशन लेके चल रहा हूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से 1 mole गैस या 22.7 लीटर ऑफ गैस है एट एसटीपी ऑक्यूपाइज, या एसटीपी हैज, ऐसे लिख लो सिंपल, इक्वल टू 1 mole होता है.
तो बताओ अगर पास गैस का 1 लीटर होगा एसटीपी पर तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/22.7 मोल। अगर आपके पास किसी गैस का वी लीटर है एसटीपी पर तो मोल्स हो जाएंगे V/22.7 होंगे ना। तो देखो यहां से मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, क्या कि अगर आपको किसी के गैस के नंबरों पर ध्यान रखना है, फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर वैलिड है, गैस पर। तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी और उसको डिवाइड किससे कर दोगे 22.7 से, तो आपको उसके मोल्स मिल जाए। तो फिर से इसे ऐसे याद रखो, मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम पता है, मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय 22.7, मोल्स पता है, वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.7 कर सकते हैं ना। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला बन गया मोल्स का, बट ध्यान रखना एट 1 atm और 273 केल्विन दिया है तो आपको वैल्यू कितनी यूज करनी है 22.4। कई बार आपको ऑप्शन के हिसाब से भी एडजस्ट करना होगा, वैसे ऐसा होगा नहीं अब, पर बाई चांस हो जाए कि ऑप्शंस में कोई 22.7 से मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप 22.4 से चेक कर लेना। बट ये ध्यान रखें, नया कन्वेंशन है 22.7 और ओल्ड कन्वेंशन है 22.4। कॉपी करें, फिर चलते हैं तीसरे फॉर्मूले पे। चलिए इसके बाद चलें एक और फॉर्म की तरफ जो हमें यहां पे कवर करनी है। तो ये आपने कवर कर लिया है, फिर अपने पास लास्ट एक और है, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल यहां पे एक और बॉक्स बनाएं और लिखें वही मोल्स और यहां पर है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है और मोल्स निकालने हैं तो आपको डिवाइड बाय अवोगैड्रो नंबर करना है, और मोल्स पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई बाय एनए करना है। बस सिंपल सी बात है, एनए पार्टिकल्स का मतलब होता है 1 मोल। तो अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो 1/NA मोल, तो अगर आपके पास एन पार्टिकल्स हैं तो N/NA मोल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एनए। ये इस फॉर्मूले का सोर्स है, कहां से आया। तो बेसिकली अगर आपको एक सब्सटेंस के एक एटम के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या कुछ भी पता है तो आप उससे डायरेक्टली उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज ध्यान देना, कई बार आपको ये टर्म लिखा हुआ मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स के बराबर होता है। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो ये किसके बराबर होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर। इस चीज को आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पता है तो आपको मोल्स मॉलिक्यूल्स के ही मोल्स मिलेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पता है तो आपको एटम्स के मोल्स मिलेंगे। एटम्स के मोल्स को एनए से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के मोल्स को एनए से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझें, मैंने आपसे कहा मेरे पास 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, और यहीं पर मैंने एक और लैंग्वेज लिखी, मेरे पास 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब आपके पास क्या है, 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स है, और 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है, आपके पास 5 मोल N2 मॉलिक्यूल्स। ये सब ना आपको पढ़ना आना चाहिए, और चिंता मत करो पहले लेक्चर में नहीं भी आया, यूज करते करते धीरे धीरे आता जाएगा क्वेश्चन जब हम करेंगे। सो ये डिफरेंस है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एनए से, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आपको 5 Na क्या मिल जाएंगे, नाइट्रोजन एटम्स। ऐसे ये देखो 5 मोल N2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 Na N2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब अगर आपको यहां पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो दिख रहा है एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो बताओ इतने में कितने होंगे, 10 Na नाइट्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बहुत आसान है। अभी मैं एक और तरीका बता रहा हूं क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखो अब हमारे पास ये फॉर्मुलेज हो चुके हैं मोल्स कैलकुलेट करने के, 3 फॉर्मुले हैं, मास से निकालना, वॉल्यूम ऑफ गैस से निकालना और नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक और छोटी सी चीज, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
एंड मास ऑफ एलिमेंट, ये भी देखो सब कुछ एक ही उसमें ले लूंगा मेथड में। आपने अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे बट आप इस मेथड को सीखें समझें, बहुत यूजफुल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सॉल्व कर देगा, वर्बली सॉल्व कर देगा। ध्यान से देखना, मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। बताओ इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आपको कितने कार्बन आइटम दिखाई दे। ये ट्रिपल का मतलब इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि एक मोल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, है? इसमें 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसमें 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। दिख रहा है आपको ये सब? चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक की जगह इसके Na मॉलिक्यूल ले लेता हूं, Na C6H12O6 मॉलिक्यूल। तो बताओ इसके Na मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने होंगे, 6 Na होंगे। बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, 12 Na, और ऑक्सीजन कितना होगा, 6 Na होगा। बहुत ही बढ़िया, अभी आपने देखा Na का मतलब तो हो गया 1 मोल, तो बेसिकली ये बन गया 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल C6H12O6। ये किसके बराबर हो गया, देखो 6 मोल कार्बन एटम्स के, ये किसके इक्वल हो गया, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स के, या फिर कितना हो गया, 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स के। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है ना, उसके 1 मोल में उतने ही उस एटम्स के मोल्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है तो 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 1 मोल ग्लूकोज में 12 मोल हाइड्रोजन होंगे, सिमिलरली 6 मोल के होंगे ऑक्सीजन। और एक बार आपने ये देखना सीख लिया तो फिर तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपसे बोलूं कि अब मेरे पास 5 मोल ग्लूकोज है, अरे भैया बड़ी आसान सी बात है, अब आ गया बनिए का हिसाब। अगर 1 मोल में 6 मोल कार्बन है तो बताओ 5 मोल में कितने होंगे, 5 × 6 मोल का, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं रटना। हाइड्रोजन कितना होगा, 12 × 5, ऑक्सीजन कितना होगा, 6 × 5। आप मुझसे बोलते मेरे पास तो 0.2 मोल है, तो 0.2 एक में कितने हैं 6, तो 0.2 में कितने होंगे, 6 × 6, खत्म। कितने 0.2 में कितने हो जाएंगे, 12। देखो अभी आ गए 1.2 मोल कार्बन एटम्स आ गए ना, ये क्या आ गया 2.4 मोल हाइड्रोजन एटम्स आ गए। अब कोई मुझसे कहे, क्या क्या पूछ सकता है, मुझसे बोले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ, बता दो 1.2 मोल का मतलब कितना हो गया, 1.2 Na, क्वेश्चन खत्म। 2.4 का मतलब कितना हो गया, 2.4 Na, क्वेश्चन खत्म। कोई मुझसे बोले कार्बन का मास बताओ, तो देखो क्या आपको यहाँ कार्बन के मोल्स मिल गए हैं, बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटू मोलर मास, 14.4 ग्राम, क्वेश्चन खत्म। कोई मुझसे बोले हाइड्रोजन का मास बताओ, तो 2.4 × 1, 2.4 ग्राम। कोई मुझसे बोले 0.2 मोल ग्लूकोज में ऑक्सीजन का मास बताओ, भैया बता रहे हैं, बताओ ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, कितने होंगे, 6 × 0.2, ये मोल्स आ गए। और मोल्स से आपको निकालना है मास, बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास जो कि 16 ग्राम होता है। और इस तरह से आपको इन सब के मास मिल जाएंगे, कर सकते हो। तो आप ये मेथड ध्यान रखें, अभी हम क्वेश्चंस के अंदर इसको और डील करेंगे, अभी तो बस मैंने आपको ये सिखाया है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत आसान है, ये मेथड यूज़ करो, सारे मेथड भूल जाओ जो आपको बचपन में सिखाओगे, पहले मास से मोल, मोल से Na, बहुत रटवा देते हैं, वो सब भूल जाओ। सिंपल याद रखो, एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उसके एक मोल में उतने ही उन एटम्स के मोल्स भी होंगे। अभी आगे चल के हम एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे, वहां पर भी हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एटम में 6 है ना, तो एक मोल में 6 मोल। मान लो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और रिवर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, कि या मैं आपसे पूछूं कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 will contain, let's say, 5 मोल ऑक्सीजन, ऐसा पूछ लेता हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, आप लिखो H2SO4, आपको दिख रहा है एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन, तो अगर आप यूँ लिख दो, बताओ 1 मोल H2SO4 में कितना होगा, हाँ वेरी गुड, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, है ना, उसने एटम्स बोले, तो ठीक है हो गया सॉल्व। 1 मोल H2SO4 का या तो बाद में निकाल लेना मास, या पहले निकाल लो, आपकी इच्छा है, बाद में निकाल लेंगे। चलो देखो 4 मोल के लिए 1 मोल है, बताओ 1 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा,
वन बाय फोर मोल H2SO4 होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, तो बताओ 5 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा, 5 बाय 4 मोल H2SO4, सो 5 बाय 4 इंटू उसका मोलर मास कितना होता है 98, इससे आपको H2SO4 का मास मिल जाएगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है, और जैसे से हम इनको क्वेश्चंस के अंदर यूज करते जाएंगे आप देखते जाओगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पर और इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। बात समझ में आती है? चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखो मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीजें और बताता हूं। यहां पर कई बार आपसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब भी कैलकुलेट करवा लेता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो मान लो कैलकुलेशन ऑफ, वहां पर भी ये कंसेप्ट काम में आएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो आप सभी जानते हैं, इतनी उम्मीद फिर मैं आपसे करता हूं कि ZXM किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ये ZXA लिख लो जो आपने सीखा है, ये इसका मास नंबर होता है जो कि एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन के बराबर है, ये एटॉमिक नंबर होता है जो कि एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और अगर न्यूट्रल एटम हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, दिस माइनस दिस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दिस माइनस दिस, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है 7 and 15, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 7, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 7, और 15 माइनस 7 8, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 8, खत्म। मान लो आपके पास N3 माइनस लिख दूं मैं, अब सिर्फ N3 माइनस लिखा है तो ध्यान रखना नाइट्रोजन का जो स्टेबल आइसोटोप होता है वो होता है SN1 7N14 है। तो चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो उसमें प्रोटॉन तब भी कितने होंगे 7, इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते, पर माइनस 3 मतलब हाँ 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके होंगे, तो इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स अगर मैं गिनूं तो 14 माइनस 7 7 रहेंगे। ये तो है एलिमेंट, ये आयन, हो सकता है कोई मॉलिक्यूल आ जाए। जैसे मान लो मेरे पास CO2 है, अब अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, CO2 की जगह चलो H2 ले लेते हैं, तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम हाइड्रोजन को 1H1 और ऑक्सीजन को 8O16 लेकर चलेंगे, जिनके नॉर्मल स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो। चलिए अब गिनो प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन से और 8 है ऑक्सीजन से, यहाँ प्रोटॉन हो गए 10। क्या ये न्यूट्रल है? बिल्कुल है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 10। न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में 1-1 0 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन में 16-8 8 न्यूट्रॉन है। जैसे मान लो आपके पास PO43- है, इसमें निकालना है तो फॉस्फोरस होता है 15P31, ऑक्सीजन होता है 8O16, गिनो प्रोटॉन 15, 8 4 32, 32 प्लस 15 इज 47 प्रोटॉन है इसमें, इलेक्ट्रॉन भी 47 होते अगर न्यूट्रल होता, माइनस 3 की वजह से 50 हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स, 31 माइनस 15 इज 16 और इसमें 8, 24 प्लस 16 इज 40, एक सेकेंड, 15 प्लस 24 है ना, सॉरी 4 है ऑक्सीजन में, वही गलती कर दी मैंने, 8 फॉर 32 प्लस 16, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 48, ठीक है। अब सेम कहानी है, जैसे मान लो अभी आपने देखा ये रहा कि अगर आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल है मान लो, तो उसमें कितने प्रोटॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लेते हैं चलो, उसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो अगर आपके पास एक मोल H2O होगा ना, एक मोल H2O, तो बताओ उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 8 मोल। अब अगर एक मोल में 8 मोल है तो आपको जितने मोल्स में निकालने का, मान लो आप निकालना चाहते हो 0.4 मोल में, तो बताओ 0.4 मोल H2O में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 8 × 0.4 यानी 3.2 मोल न्यूट्रॉन्स, और × Na कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उनका नंबर ऑफ एटम्स। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई ना, बहुत पावरफुल टूल है और बहुत सारे क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को ये यूं ही चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कैसे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, एक छोटी चीज़ और निकालना सिखा दूँ आपको, चार्ज, क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हो।
कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर हम चार्ज कैलकुलेट करने चलें तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ चार्ज ऑन 1 Mg2+ आयन, बताओ इस पे चार्ज कितना है, 2, है ना। बस यही आपका गेम हो गया। जैसे आपने 2 बोल दिया, आप बर्बाद हो चुके हैं, 2 नहीं है। अच्छा बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है। हाँ, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्स। तो भाई आपने तो 2 लिख दिया, कूलम वूलम तो कुछ लिखा ही नहीं, नहीं तो गलती वो भी नहीं है। अच्छा बताओ प्लस 2 चार्ज क्या सिग्निफाई करता है। प्लस 2 सिग्निफाई करता है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज लूज किया होगा, उसकी वजह से इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आया। तो बेसिकली इसके ऊपर जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये 1 Mg2+ आयन का चार्ज है। अब आपके पास जितने Mg2+ आयन हो उनका चार्ज आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं मेरे पास 4.8 ग्राम Mg2+ आयन है, इस पे आप चार्ज कैलकुलेट करो करो तो कर देते हैं भाई। पहले आप निकालो आपस कितने Mg2+ आयन है, तो इसका मास है, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय 24 इसका मोलर मास, तो आपको इसके 0.2 मोल मिल जाएंगे। तो 0.2 मोल है ना, इनटू Na कर दो, तो आपको 0.2 Na Mg2+ आयन मिल गए। अब अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया कि 1 Mg2+ आयन अगर आपके पास है तो उस पर चार्ज है 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ ग्राम, 1 Mg2+ पे। तो आपके पास कितने हैं, इतने ऑन 0.2 Na Mg2+ आयन अगर आप चार्ज निकालो तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ × 0.2 × 6 × 10⁻²³। ये आपका ओवरऑल आंसर होगा। तो इस तरह से हम ये बेसिक मोल्स के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर कैटेगरी मैंने यहाँ कवर कर ली है।